नमस्ते, मैं डॉक्टर रविचरण पालवाई, ईएनटी सर्जन, सिटीजन्स हॉस्पिटल नलगंडला। आज मैं टॉन्सिल्स और टॉन्सिलाइटिस के बारे में बात करना चाहता हूँ। टॉन्सिल्स दो लिम्फोइड टिश्यू है जो अपने गले के अंदर रहता है, दोनों तरफ रहते हैं, जवान के पीछे रहते हैं। इसमें ये सब में रहते हैं, बच्चों में, बड़ों में, सब में रहते हैं। लेकिन ये टॉन्सिल्स में बच्चों में इन्फेक्शन्स आने का आसकार बहुत ज़्यादा है। टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन्स जब आता है हम उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ये बच्चों में बहुत कॉमन है। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक है एलर्जिक, दूसरा है इन्फेक्टिव। ये एलर्जिक उन बच्चों में होते हैं जो चीज़ नहीं जमता है, जैसे ठंडा चीज़, ठंडा और कोई खाना जो अपने बच्चों को नहीं जमता है, जब वो खाता है तो वो गले के अंदर एलर्जी की वजह से लोकल इम्यूनिटी बोलते हैं वो कम हो जाता है। उसकी वजह से जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया जो रहती है उस टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होके उसको टॉन्सिलाइटिस होता है। ये बच्चे खाना खाने में तकलीफ, गले में दर्द और कुछ बच्चे सांस लेने में भी तकलीफ बोल सकते हैं। जैसा जब बच्चे ये बोलते हैं तो इमीडिएटली बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाके उसका इलाज कराना चाहिए। दूसरा है इन्फेक्टिव। जब बच्चे घर छोड़ के जब स्कूल जाते हैं, दूसरे बच्चों से जिसको इन्फेक्शन रहती है, वो ये इन्फेक्शन वो बच्चों से ये बच्चों को आ सकती है। ऐसा फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ जो स्कूल रहता है उसमें ये गले में इन्फेक्शन आने का जो आसकार बहुत ज़्यादा रहता है। ये बच्चों को जब ये इन्फेक्शन आता है, वो सेम लाइक गले में दर्द, खाना खाने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ से ये बच्चे कंप्लेन कर सकते हैं। ये बच्चों को आप डॉक्टर के पास लेके जाके इलाज दिलाना चाहिए। जब ये इन्फेक्शन बार बार आता है हम उसको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ये जब होती है एक साल में अगर तीन बार से ज़्यादा अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है, जो ऐसे इसमें हम बच्चों को टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी को एडवाइस करते हैं। नमस्ते।